स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी शामिल होना चाहते हैं 5AM क्लब के सक्सेसफुल मोटिवेटेड पावरफुल लोगों की कैटेगरी में? इस बुक का सजेशन मुझे यूट्यूब से ही आया था। मेरे सजेशन में हिंदी ऑडियो बुक इसकी जो है वो आई। मैंने सिर्फ उसकी समरी सुनी पहले, फिर मुझे लगा कि ये यूनिवर्स ने मेरे गाइडेंस के लिए बुक भेजी है, एंड फिर मैंने उसको पूरी की पूरी रीड की। जो बेनिफिट मुझे हुए हैं वो मेरी आवाज में से आप पहचान पाएंगे। लिटरली इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इसके अंदर बहुत ही सिंपल भाषा में सुबह जल्दी उठने के फायदे, जो हमारे भारतीय संस्कृति में सदियों से बोला जाता है कि सूर्य के साथ सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए और प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, कसरत करनी चाहिए, वही मुद्दे दिए गए हैं। लेकिन उसको इतनी इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में पेश किया गया है कि ये बातें आपके दिल में उतर जाएगी और इसका महत्व आपको समझ में आएगा। ये बुक कोई रूल बुक नहीं है, इसके अंदर एक कहानी के रूप में एक चित्रकार है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक महिला है जिसने अपने पार्टनर से धोखा खा के अपना सब कुछ गवा दिया है, तो इन सबकी कहानी एक जगह पे आके मिलती है। कैसे ये लोग एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं, कैसे ये सारे की सारी चीजें जान के जो इस बुक के अंदर वन बाय वन रूल्स दिए हैं इनका जीवन ट्रांसफॉर्म होता है। ये एक पर्सनल स्टोरी है, लेकिन इतनी अच्छी तरह से बुनी गई है कि ये आपको कदम कदम पे इंस्पायर करती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। कभी कहानी इंडिया आ जाती है, कभी रूम चली जाती है। सो आप इसको एंजॉय करेंगे। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वन बाय वन रूल बुक पढ़ाया जा रहा है। अब इसकी समरी में आपको बता दूं कि इसके अंदर बेसिकली क्या बोला गया है। सुबह 5 बजे उठने का महत्व जैसे नाम से ही जाहिर होता है, लेकिन हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? इनका कहना यह है कि आपकी दिनचर्या शुरू हो, जैसे कि नाश्ता वगैरह, उन सबसे पहले 1 घंटा निकाल के हमें सुबह उठना चाहिए, खुद को एनर्जाइज करने के लिए, खुद की ऊर्जा का स्रोत जो है वो ऊपर लाने के लिए। अब सुबह उठ के क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड इस बुक के अंदर 20-20-20 का रूल डिस्कस किया गया है। क्या है ये 20-20 का रूल? जिसमें सबसे पहले 20 मिनट आप जो पसीना लाने वाली हार्ड एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी को आप मूव करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। सेकेंड 20 मिनट जो है कोई भी मोटिवेशनल जो कंटेंट है वो आप कंज्यूम करिए। जैसे कि मैंने भी आपको बार बार बोला है कि सुबह उठते ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी गुरु को, या तो आप आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कीजिए या तो किसी पावरफुल मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनिए। यह आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा और आपके पूरे दिन की ऊर्जा के ग्राफ को ही ये अप रखेगा। तो 20-20-20 उस 60 मिनट को, जो 1 घंटा हम एक्स्ट्रा निकाल के उठ रहे हैं, उसको कैसे डिवाइड करना है उसकी बात है। और लास्ट 20 मिनट जो है वो रिफ्लेक्शन के ऊपर, अपने जीवन की अच्छी चीजों के बारे में सोचना, हम आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, हमने पीछे से लेसन कैसे लर्न किए हैं, उन सारी चीजों की लर्निंग जो है ये 20-20-20 का जो रूल है इस बुक के अंदर दिया गया है। एंड जो इस बुक की सबसे सुंदर बात मुझे टच की थी कि अगर आपके जीवन में आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो अच्छा, लेकिन अगर अच्छा नहीं चल रहा है अभी तो और भी अच्छा, क्योंकि अब आपके हाथ में पावर है कि अब आप अपने जीवन को जिस दिशा में चाहो उस दिशा में उस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही सटीक और सही बात, बहुत ही सहज भाषा में बहुत अच्छी तरह से बोला गया है। इसका जो मेन बेनिफिट मुझे दिखा पूरे दिन में जो है वो हमारी ऊर्जा एनर्जी हाई रहती है। हमने उठ के, मतलब सुबह उठ के ही जैसे कुछ अचीव कर लिया है ना, ऐसा लगता है, क्योंकि हम है बाय नेचर सबके सब आलसी। तो सब सुबह उठते हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, जिसे डोपामाइन रिलीज होता है, जिसे हमें लगता है कि हमने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर लिया है। और वो हार्मोन हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमें एहसास करवाता है कि हम सतत प्रगति के रास्ते पे हैं। चाहे हम जीवन में कुछ अभी हासिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू नीड टू गिव योर सेल्फ दैट सेटिस्फेक्शन कि एटलीस्ट मैं सुबह उठ के अपने आप को 1 घंटा तो दे पा रहा हूँ। धीरे धीरे और भी मेहनत, और भी दिशा, और भी रास्ते मेरे लिए खुलेंगे। यहाँ पे लेखक का ये भी कहना है कि
आप जब सुबह उठते हैं, एक्स्ट्रा टाइम अपने को देते हैं, तो आप सुबह 5 से 12 के बीच में उतना काम कर सकते हैं जितना आप लेथार्जिक होकर पूरे हफ्ते में नहीं कर सकते। जो चीज मैं लिटरली अपनी लाइफ में देखती हूँ, जब हम लेट उठते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, तो कल 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 काम पेंडिंग कर करके फिर एंड में उल्टा पुल्टा काम करके दे देते हैं, कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं रहती। जो प्रॉब्लम अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो नहीं होता। अब इसमें जो एक रियल टाइम होने वाली प्रॉब्लम भी मैं अपनी शेयर कर देती हूँ, आपका ब्रेन बोलेगा नहीं उठना है, तो आपको बोलना है कि चल आज उठ जा कल सो जाना। उस दिन उठ जाओगे तो पूरा दिन में से थकान थकान लगेगा, बोलेगा मन कि सुबह जल्दी उठे ना, इसीलिए ये सारी की सारी चीजें हुई है। तो उसको बोलना है कि कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कॉफी या चाय पी लेंगे, लेकिन ये तो मेरे बेनिफिट के लिए है ना। और धीरे धीरे एटलीस्ट एक आध वीक लगेगा आपको ट्रैक पे आने के लिए, लेकिन आपकी बॉडी इन चेंजेस को डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगी और आपको जो उत्साह मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगी, जो अचीवमेंट्स मिलेगी, पूरा का पूरा दिन जिस तरह से आपका अच्छा जाएगा, वही आपको पुश करेगा कि आप हमेशा इस IAM क्लब के मेंबर बने रहे। तो ये जो बिलियंस में बिकने वाली, इसके अंदर ऐसा क्या खास है? एक तो इसमें कहानी के रूप में पेश किए गए सारे के सारे सच और बहुत ही इंटरेस्टिंग सटीक फैक्ट जीवन के, जिसको हम सबको सुनना चाहिए। कोरोना के बाद तो हम सबकी बॉडी को ज्यादा ही लेजी हो गई है, हमें वर्क फ्रॉम होम की आदत हो गई है। तो अगर हम शरीर में उत्साह एनर्जी भरते हैं तो जीवन में भी उत्साह और एनर्जी का रिफ्लेक्शन हम देख पाते हैं, एज इनसाइड एज आउटसाइड। आपके शरीर की तंदुरुस्ती से आपके मन की तंदुरुस्ती बढ़ेगी, आपका मन शक्तिशाली होगा। अगर जिसके अंदर सेल्फ लव, आत्मिक बल, ग्रेटिट्यूड बढ़ा है, तो उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये एक चेंज होती है। होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।